कि वह दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, मुसलमानों की सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे, उसकी जगह पे वो अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर सकते हैं। किसानों की ज़मीन छीनना चाहते हैं, दलितों की ज़मीन छीनना चाहते हैं और कॉरपोरेट को देना चाहते हैं। घर नहीं रहेगा आपके पास, कुछ काम नहीं रहेगा आपके पास, ज़मीन नहीं रहेगी खेती की, तो आप भागेंगे शहरों की तरफ, फिर आके आप कॉरपोरेट के यहाँ उन पैसों पर काम करेंगे, आपका शोषण किया जाएगा। इस देश के अंदर नए जमींदार पैदा हुए, नए सामंत पैदा, उनका नाम है अडानी। जब तक नरेंद्र मोदी अपने पद पर रहेंगे कोई जांच नहीं होगी। जो हक दिलाया था दलितों और पिछड़ों को, उस हक को छीनने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं लेटरल एंट्री करके। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की समर्थक पार्टी है क्या? आप गुरु गोवलकर की उस वाणी को भूल गए क्या, उस उक्ति को भूल गए जो उन्होंने अपने में लिखा था कि वह दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, मुसलमानों की सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे, उसकी जगह पे वो अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर सकते हैं, तो जिसकी विचारधारा वो हो वो आपके लिए क्या करेगा? ये तो दलित विरोधी पार्टी है ही है। लेकिन वो तो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास नहीं है, मोदी का साथ और मोदी का विकास। अच्छा। तो मोदी के विकास के लिए काम कर रहे हैं और किसी, मोदी अडानी के विकास के लिए काम कर रहे हैं और किसी के नहीं। तो क्या योगी जी ने दलितों को जमीन से मुक्त कराने का एक घोषणा करी है? जी, यह चाहते हैं कि दलितों की जमीन जो है वो अडानी जैसे कॉरपोरेट्स को चली जाए। किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं, दलितों की जमीन छीनना चाहते हैं और कॉरपोरेट को देना चाहते हैं। लेकिन सर, यूपी में जो दलित हैं वो तो पहले से ही परेशान हैं, उनको पट्टों पर कब्जे नहीं मिले हैं, कृषि के हों चाहे आवास के हों, और दूसरा आप उनको जो है एनएम लेकर के आ गए हैं। भाई आप समझ नहीं पा रहे ना, नीति आयोग की रिपोर्ट देखे हैं आप? नीति आयोग कहता है कि उन्हें आने वाले समय में 40% जनसंख्या को शहरों में ला के बसाना है, तो शहर में कैसे आएंगे? जब आप वहाँ से बेदखल हो जाएंगे तभी तो होगा। जब आप बेदखल हो जाएंगे तभी तो आपको कोई भेजेगा, वहाँ से आएंगे। बेदखल हो जाएंगे जब आपके पास कुछ घर नहीं रहेगा, आपके पास कुछ काम नहीं रहेगा, आपके पास ज़मीन नहीं रहेगी खेती की, तो आप भागेंगे शहरों की तरफ, फिर आके आप कॉरपोरेट के यहाँ उन पैसों पे काम करेंगे, आपका शोषण किया जाएगा। तो सर, ये जो कानून है इससे जमींदार और बड़े जमींदार हो जाएंगे या फिर कॉरपोरेट को बढ़ावा मिलेगा? इस देश के अंदर नए जमींदार पैदा हुए, नए सामंत पैदा, उनका नाम है अडानी। उनको इस देश की पूरी संपदा देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि अडानी लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं सर देश में। कौन सा डेवलपमेंट किया, कौन सा रोजगार दिया है आप बताएं? 25,000 लोगों को रोजगार है, 25,000, नॉट मोर देन दैट। देश के विकास में तो योगदान है? कोई योगदान नहीं है, देश सर आगे नहीं बढ़ रहा है। मतलब देश का पोर्ट उनको दे दो, एयरपोर्ट उनको दे दो, जो भारत की जनता के पैसे, आपके और इनके पैसे से जो चीज़ें बनी हुई थी वो सब उनको दे दिया, विकास हो गया। तो उन्होंने अपना क्या बनाया है सर? मेंटेनेंस करने के लिए तो दिया सर। वो तो ठेकेदार हैं क्या? तो कहो ना कि वो ठेकेदार हैं, तो अडानी ठेकेदार हैं, जो साइकिल स्टैंड का ठेका लिया जाता है उसे ठेकेदार हैं, काम खत्म। जो अडानी ने बढ़ रहा सर वो उद्योगपति हैं, राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी उद्योगपति हैं, राष्ट्रवादी उद्योगपति हैं। शेल कंपनियों से किसका पैसा आया 20,000 करोड़ रुपया? वो तो सर आरोप लगा रहे हैं। किसका पैसा है? यूएई में शिजा पाशा रहता है, वो दक्षिण वो पाकिस्तान का एसआई का पूर्व प्रमुख है, पाकिस्तान के तमाम जनरल्स यूएई में पैसा लगाए हुए हैं, वहाँ पर रहते हैं, वो रक्षा प्रमुख हैं, वहाँ पर रक्षा विशेषज्ञ बने रहते हैं, रक्षा एडवाइजर्स हैं। किसका पैसा है? नरेंद्र मोदी जी बताएंगे क्यों नहीं वाइट पेपर लाते हैं? जब तक नरेंद्र मोदी अपने पद पर रहेंगे कोई जाँच नहीं होगी। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा अल्टीमेटली, तब जाकर इस विषय पे जांच हो सकती है। सर, लोगों ने चुना, देश की जनता ने चुना है मोदी जी को, उनके जिन्होंने सबसे ज्यादा सांसद है, 303 सांसद है ना। हाँ। आने वाले समय में 200 कम हो जाएंगे, अब 400 पार जाएंगे इस बार लग रहा है, इस बार 200 से कम आएंगे। देखिए कह रहे 50, मैं कह रहा 200 से नीचे आएंगे, बस मैं इतना कह दे रहा हूँ, आज कह रहा हूँ 2024 में मिलेगा। आप भी कहते सर किसान आंदोलन में से कि यूपी में नहीं आएगी योगी सरकार? मैंने कह दिया था उस समय और मैं अपने दावे पे कायम था। कुछ गलतियां की विपक्ष ने, वह अंतिम में अपने वोटों को सहेज नहीं पाई और अपने जो मैंडेट था उसको सहेज नहीं पाई। मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, उन्होंने इनके इन प्रकरण करके दबाव बनाकर उन्होंने अपने मैंडेट को, समझ रहे हैं आप, उस मैंडेट को चुराने का काम किया है। लेकिन सर जनता तो चाह रही है ना बीजेपी को? जनता नहीं चाह रही है बीजेपी को, सड़कों पर नहीं है सर पब्लिक, आ रही है सर, इतनी महंगाई है आएगी, जनता को डराने का काम किया जा रहा है।
जनता को बुलडोजर लेकर चल देते हैं, घर गिराते हैं, डरेंगे नहीं? सर भूमाफिया को मिट्टी मिला रही होगी सर। कौन से भूमाफिया को मिट्टी में मिलाई है? महरौली में आओ, आम आदमी का घर गिरा रहे हैं। उधर जाओ, आम आदमी का घर गिरा रहे हैं। एक आध दो का गिरा दिया होगा। सब तो अब तो जनता का घर गिरा रहे हैं। योगी जी ने भूमाफिया मिट्टी में लाया, कौन से भूमाफिया? एक ही भूमाफिया है, वो अतीक है। वहाँ पर ब्रजेश सिंह है, वहाँ पर धनंजय सिंह है, वहाँ पर राजा भैया है, वहाँ पर विनीत सिंह है, वहाँ ब्रिजभूषण शरण सिंह है। वो नहीं माफिया है, वो माफिया नहीं है, वो सत्ता में है सर। तो सत्ता में वो अच्छे हो गए? हिंदुओं का घर गिराओगे सर आप? अपराधी हिंदू हो या मुसलमान हो, अपराधी होता मेरे भाई। अच्छा, मतलब ये जो घर गिराए ये अपराधी नहीं थे सर? मैं कह रहा हूँ ना, एकाध दो अपराधियों का गिराया होगा, लेकिन ये जो मैंने नाम बताया उन पर क्या कार्रवाई हुई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो मतलब जो योगी जी काम कर रहे हैं वो निष्पक्षता से नहीं कर रहे। निष्पक्षता से करते तभी आप बता तो रहे थे कि दलितों की जमीन छीनने जा रहे हैं, ये निष्पक्षता। भ्रष्टाचार कम हुआ है मोदी सरकार में सर? भ्रष्टाचार कम हुआ है, अब सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। अच्छा, ऑनलाइन जाता है तो वो शेल कंपनियों से पैसा किसका आया है यूपी में? वो शेल कंपनियों में पैसा किसका आया? और स्विट्जरलैंड में जो पैसा है बढ़ा है वो किसका बढ़ा है? जो कुछ स्विट्जरलैंड में काला धन किसका बढ़ा है? जो वो सब धनपति बढ़ रहे हैं ना देश में, तो धनपति ने कोई तरक्की नहीं कर रहा, देश धरातल में जा रहा है। योगी जी 33 लाख करोड़ का जो निवेश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसके पहले कई बार निवेश कर चुके हैं, कोई भी एक बताओ कि कहीं इन्वेस्टमेंट आया हो बता दो मुझे। 90 लाख लोगों को रोजगार? वही रोजगार नहीं, कोई रोजगार नहीं, कहाँ बातें कर रहे हो यार, कोई रोजगार नहीं। मंदिर बना रहे हैं? अरे यार फिर तो आप जाके पूजा करो, क्या दिक्कत आ रही है? हिंदू मजबूत हो रहे हैं सर, तो आप भी मजबूत हो जाओ उसके साथ जाके, क्या दिक्कत आ रही है सर? अच्छा हाँ जी चलिए। एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे सर? एजुकेशन सिस्टम दलितों पिछड़ों को निकालने का काम किया जा रहा है, उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और कुछ नहीं, कि वो उनके बच्चे कुछ ना कर पाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में लड़कर जो हक दिलाया था दलितों और पिछड़ों को, उस हक को छीनने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं लेटरल एंट्री करके। काबिल नहीं सर ओबीसी एससी एसटी, ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता सर। तो सरकार वही तो मैंने कह तो दिया आपसे कि गुरु गोवरकर के क्या युक्ति है बंच ऑफ थॉट्स में, कि दलितों पिछड़ों आदिवासियों की वो सत्ता वो नहीं स्वीकार कर सकते, उसकी जगह अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर सकते, तो वो अंग्रेजों के गुलाम है।